तो हे पब्लिक, क्या हाल चल। तो गाइस आज से एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपनी वीडियो को स्लो या फास्ट कैसे करें। ठीक है यार, आज भी उस पर कमेंट आ रहे हैं कि यार देखो वीडियो स्लो और फास्ट तो हो जाती है लेकिन यार वीडियो सेव नहीं हो रही है। यार आज भी कमेंट आ रहे हैं इस वीडियो पर। ठीक है, अच्छे खासे व्यूज़ आ गए उस पर, 1 लाख के लगभग व्यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी लोग के कमेंट्स अभी भी आ रहे थे। देखो अब देखो ज़माना चेंज हो गया। देखो यार, देखो कई सारे नए एप्लीकेशन आए, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन एप्लीकेशन आए हैं, तो आप उसको यूज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो मैं इसके इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को स्लो या फास्ट कैसे करना है, और यहाँ पर आपकी वीडियो सेव भी हो जाएगी। उस वीडियो पर कमेंट आ रहे थे सेव भी नहीं हो रहा यार, कैसे सेव होगा। तो यार काफ़ी लोग के कमेंट्स यही थे ज़्यादातर। तो देखो आज की वीडियो यही होने वाली है, अपने वीडियो को स्लो या फास्ट कैसे करना है, काफ़ी स्मूथली तरीके से आप स्लो या फास्ट कर सकते हो और उसको सेव कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। काफ़ी लोगों को ये एप्लीकेशन पता होगी, काफ़ी लोगों को नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। आपको साइड स्क्रीन पे इधर इधर कहीं भी आपको कुछ स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, प्ले स्टोर आपको ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है VN। ठीक है, VN एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन होने वाली है अगर आप यूज़ करना सीख गए इसको। जितने भी इंस्टाग्राम पर रील देखते हो ना, पहले चलता रहता है, फिर स्लो होता है, फिर चलता है, यार ये इसी ऐप से बनती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ तो मैं आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको गैलरी से एक वीडियो सेलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कैसे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ खाली। ठीक है, गैलरी से एक वीडियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, स्पीड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड वाले सेक्शन पर जैसे क्लिक किए तो आपके सामने कुछ ऐसे डॉट फिर ग्राफ के तरीके से एक मतलब पैटर्न आ गया होगा। ठीक है, तो आप ग्राफ को अगर ये एक पॉइंट पहला वाला देख रहे हो ना, मैं अभी यहाँ पॉइंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट को अगर आप नीचे करोगे ना तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट को अगर ऊपर करोगे तो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड वाले को नीचे, फोर्थ वाले को ऊपर। आप देखो अगर आपको, ठीक है, आप ऐसे ही आप स्लो फास्ट कर सकते हो। देखो अब एक चला कर दिखा दे रहा हूँ एक वीडियो। ठीक है, मेरी ये स्लो मोशन है तो मैं इसी को दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप देखो स्लो हो रही फिर फास्ट हो रही, स्लो हो रही फिर फास्ट हो रही। तो आप जितना अगर पॉइंट टू पॉइंट लगाना चाहते हो यहाँ पे स्लो फास्ट करके, ठीक है, वीडियो सेव कर लो, बहुत ही एकदम स्मूथली सेव हो जाएगी। और जब इंस्टाग्राम रील पर डालोगे ना तो आपके वायरल होने के भी चांसेस इंस्टाग्राम पर ज़्यादा हैं। ठीक है, आप ये ट्रिक यूज़ करना, ये एप्लीकेशन यूज़ करना और मेरे को कमेंट में बताना, ये काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलो आप अपनी वीडियो को स्लो या फास्ट कर लो और वीडियो को सेव भी यहीं से कर लेना। ऊपर देख लो सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा टिक का। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले देख चुके हो। ठीक है, वहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करके आप गैलरी में सेव हो जाएगी, फिर आपको जहाँ इसको यूज़ करना है यूज़ करो। ओके, चलो ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए। यूट्यूब से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।